भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा, भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। सब साधन से रहे समुन्नत, सब साधन से रहे समुन्नत भगवन देश हमारा, भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। ब्रह्म तेज व्रतधारी, ओ ब्राह्मण विद्वान राष्ट्र में ब्रह्म तेज व्रतधारी। महारथी हो शूर धनुर्धर क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी, महारथी हो शूर धनुर्धर क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी। गौवे भी अति मधुर दुग्ध की, गौवे भी अति मधुर दुग्ध की रहे बहाती धारा, भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। सुंदरी सद्गुणवती सयानी, महिलाएं हो सती सुंदरी सद्गुणवती सयानी। रथारूढ़ भारत वीरों की करे विजय अगवानी, रथारूढ़ भारत वीरों की करे विजय अगवानी। जिनकी गुण गाथा से गुंजित, जिनकी गुण गाथा से गुंजित जग दिगंत हो सारा, भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। रस बादल बरसाएं, आवश्यक जितना हो उतना रस बादल बरसाएं। अनौषध में लगे प्रचुर फल और स्वयं पक जाएं, अनौषध में लगे प्रचुर फल और स्वयं पक जाएं। योग हमारा क्षेम हमारा, योग हमारा क्षेम हमारा स्वतः सिद्ध हो सारा, भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। दोनों हाथ खोल करके ताली बजाइए, ऊपर हाथ उठाइए। सब साधन से रहे समुन्नत, सब साधन से रहे समुन्नत भगवन देश हमारा, भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा, भगवन देश हमारा अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा। बोलिए भारत माता की जय, गौ माता की जय। सम्माननीय मंच और उपस्थित सभी हमारे सम्माननीय परिजन, हमारे भाई शक्ति स्वरूपा बहनों और देवतुल भाइयों, हम सब के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा फहराने वाले
और विचार क्रांति का उद्घोष करने वाले विश्व के कोने कोने में जाने वाले एक परिभाजक हम सबके बीच हैं, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी। अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, जिन्होंने भारतीय संस्कृति पर और हमारी विविध भारतीय सांस्कृतिक धाराएं ऋषि परंपराओं पर अनेक लगभग 100 से भी अधिक शोध ग्रंथों में शोध कार्यों का मार्गदर्शन किया है, ऐसे श्रद्धे हम सबके बीच हैं। भगवद गीता उनका प्रिय विषय रहा है। भगवद गीता के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाने वाले और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से जीवन जीने का जीवन विद्या के केंद्र के रूप में विकसित करने वाले श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सबके बीच हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की ज्ञान धारा के उत्तराधिकारी हैं। पूज्य गुरुवर ने 3200 पुस्तकों का लेखन किया और जब वो जाने लगे, अपने स्थूल शरीर का त्याग किया, तो उन्होंने अपनी कलम श्रद्धेय के हाथ में पकड़ा दी। वो परम पूज्य गुरुदेव के कलम के सिपाही हैं। ऐसे जो अखंड ज्योति का संपादन करते हैं, 10 भाषाओं में 13 लाख से ज़्यादा प्रकाशित होने वाली एक बहुत ही अद्भुत वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की पत्रिका का संपादन करने वाले श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सबके बीच हैं। और मैं आपसे कहूं तो इन दोनों जिस तरह पर्यावरण प्रदूषित है, उससे अधिक कहीं विचार का प्रदूषण है। इसलिए श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने इस विचार प्रदूषण की मुक्ति के लिए संपूर्ण विश्व में विचार क्रांति की लाल मशाल लेकर सर्वत्र ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है। अनेक कार्यों में सम्मानित और अनेक कार्यों को अंजाम देने वाले गायत्री परिवार के माध्यम से साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, नारी जागरण और व्यसन कुरीति उन्मूलन के साथ साथ जो इस समय आपदाएं आती हैं, उन आपदा निवारण के लिए विविध कार्य करने वाले श्रद्धेय डॉक्टर साहब को मैं आप सबकी ओर से सम्मानपूर्वक उनको प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में वंदन करते हुए आमंत्रित करता हूँ आज के विशिष्ट उद्बोधन के लिए, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या साहब। मैं गायत्री परिवार के प्रमुख के रूप में श्रद्धेय राज्यपाल श्री देवव्रत जी का यहाँ आप सबकी ओर से अभिनंदन करता हूँ। प्रार्थना करूँगा कि एक बार गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। आज हमारे बीच में उपस्थित माननीय राज्यपाल श्री गुजरात राज्य श्रीमान देवव्रत आचार्य साहब, प्रफुल्ल भाई संजेलिया देशी गाय आधारित प्राकृतिक कृषि विशेषज्ञ जो हमारे बीच में बैठे हैं, श्री अश्विन भाई जानी गुजरात जोन संगठक समन्वयक, गोपाल भाई सुतरिया बंशी गौशाला संचालक अहमदाबाद, मगन भाई पटेल पूर्व अध्यक्ष भारतीय किसान संघ, बाबू भाई के पटेल महामंत्र भारतीय किसान संघ और सभा पंडाल में बैठे संपूर्ण गुजरात प्रांत के गायत्री परिजन और हमारे खेडूत भाई बहन सभी जो यहाँ बैठे हैं, हमारे अधिकारीगण जो सामने खड़े हैं मेरे और मेरे पीछे बैठे हैं, इन सब का मैं अभिवादन करता हूँ। भाइयों और बहनों, ये जो हमारा देश है बड़ा विलक्षण देश है। यहाँ पर हमारा देश कृषि प्रधान है, हमारा देश भावना प्रधान है, संस्कार प्रधान है, धर्म प्रधान है, कोई इसको अलग नहीं कर सकता इन सब चीज़ों को आपस में। ये तो हम सब लोग हैं जो एक नाटक देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं चारों तरफ
कि लोग किस तरह से हमारे धर्म संस्कृति की हंसी उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी राजनीति के माध्यम से। मैं समझता हूँ कि अगर कोई किसी तरह से समझना चाहता है तो उसको ये समझना पड़ेगा कि हम सब की जो मूल संस्कृति है वो धर्म आधारित संस्कृति, अध्यात्म आधारित संस्कृति है। धर्म के तीन भाग होते हैं, मेटाफिजिक्स, आचार संहिता, दूसरा जो कहलाता है वो कहलाता है एथिक्स, जो हमारी कहानियाँ हैं जितनी भी उतनी प्रकार की वो सब, तीसरा है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। तो ये जो अध्यात्म है ये मर्म है सबका, और ये अध्यात्म के आधार पर ही वास्तव में हम लोग अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं कि अध्यात्म के माध्यम से अपने जीवन को हम कैसे महान बनाएं। ये महामानवों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, ये हमारी भूमि जो है स्वामी विवेकानंद की भूमि है, ये भूमि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की भूमि है, ये आचार्य श्रीराम शर्मा की भूमि है। ये भूमि ऐसी है जहाँ महामानव जन्म लेते रहे हैं, लेते रहेंगे, और एक प्रकार से बड़ी उर्वर भूमि है, बड़ी इसमें जो खाद पानी डला है वो भावनाओं का और आध्यात्मिक चिंतन चेतना का डला है, इसीलिए ये भूमि जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें भी आज हम गुजरात में बैठे हैं, और गुजरात में भी हम बायड में बैठे हैं जहाँ मैं पिछले करीब 30 वर्षों से निरंतर आ रहा हूँ। मैंने यहाँ की भूमि देखी, भूमि देखने के बाद मैंने यहाँ मंदिर का प्लान किया और चेतना केंद्र बना, शक्तिपीठ बना, सब कुछ। मित्रों, आप में से जितने खेडूत भाई बैठे हैं आप सब जानते हैं कि हमारी कृषि जो है वो एक प्रकार से अब गड़बड़ा गई, क्योंकि आपने सुना होगा कि विदर्भ में किस तरह से किसानों ने सुसाइड्स किए, आत्महत्याएं की, और उनकी आत्महत्या का कारण मूलभूत था कि जमीन बंजर हो गई थी, और जमीन बंजर हो जाने की वजह से उन लोगों ने अपने कर्ज को नहीं चुका पाने के कारण आत्महत्या कर ली। मैं गया हूँ पूरे भारत के कोने कोने में गया हूँ, मैंने जा जा कर सब जगह एक प्राकृतिक जैविक कृषि का मॉडल दिया उनको, और अभी आज सुभाष पालेकर वाला जो मॉडल है प्राकृतिक खेती, उसकी हम बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो हम अपने बच्चे को जैसे पवित्र भोजन कराते हैं, वैसे ही हमारी माँ को, पृथ्वी को, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या, मैं भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, अगर आप उसको ऐसा मानते हैं तो उसके लिए भी हमको भोजन की व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जो शुचितापूर्ण हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो, और वो जब पवित्र होगा तभी वो हमको सही अनाज देगी। ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा करने के चक्कर में लोगों ने रासायनिक खादों का प्रचलन पैदा किया, सरकार ने भी उनको खूब सब्सिडीज़ वगैरह दी, और मैं समझता हूँ आज जो है जैविक कृषि का जो प्रचलन बढ़ा है वो हमारे यहाँ ही नहीं बढ़ा है, अमेरिका में भी बढ़ा है, जर्मनी में भी बढ़ा है, सब जगह बढ़ा है। मैं सब जगह देख के आया हूँ कि बड़े बड़े मॉडल्स वहाँ चल रहे हैं जैविक कृषि के, और ये जो जैविक कृषि है ये वास्तव में हमारे लिए एक पर्जन्य प्रधान, जो गीता में एक शब्द आता है पर्जन्याद अन्न संभव, पर्जन्य से ही अन्न बनेगा। पर्जन्य जो है वो ऊपर से बरसता है, वो ऊपर से बरसता है, पर वो बरसता तब है जब आप उसके लिए वातावरण वैसा बनाते हैं, पर्यावरण वैसा हो, वातावरण वैसा हो, तब जा कर के बरसेगा। मित्रों, ये जो गुजरात की भूमि है ये संतों की भूमि है, मैं बड़ा अभिभूत हूँ, मेरा जन्म तो यहाँ नहीं हुआ गुजरात में, परंतु मेरे पूर्वजों का जन्म यहीं गुजरात में हुआ था, और इस भूमि में कुछ ऐसा देवत्व है विद्यमान कि यहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ पूरा के पूरा पूरे देश में रिफ्लेक्ट होता है, पूरे देश में। अगर आप देखें यहाँ हम जो करेंगे वही चीज़ पूरे देश में आएगी। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से बात कर रहा था कि ये भूमि का महत्व कितना है, आप बहुत बड़े स्थान पर बैठे हैं, आप हिमाचल में थे तब मैं वहाँ गया था भूमि पूजन करने के लिए अपने केंद्र की, तो शिमला में हमने भूमि पूजन किया था, उस दिन माननीय राज्यपाल महोदय बहुत व्यस्त थे, आप नहीं आ पाए, तो आपने मुख्यमंत्री जी को इशारा कर दिया तो मुख्यमंत्री जी आ गए मेरे भूमि पूजन में। अब वहाँ एक 4 मंजिल का भवन पूरा शिमला में वो बन रहा है, वहाँ पर पूरा का पूरा बाईपास रोड पर पूरा।
ऐसा मानता हूँ कि आपका यहाँ आना ये भी सुखद संयोग है। आप गुजरात आए तो गुजरात आपके शुभ संस्कारों की वजह से आप आए, और आपके शुभ संस्कारों से ये प्रांत अनुप्राणित होगा। मैं इस प्रांत में लगभग लगातार पिछले 30 साल से बराबर आ रहा हूँ, पूरे देश में जाता हूँ, परंतु ये जो प्रांत है मैं इसमें सबसे पहले जब मैं आया पहली बार 1992 में प्रफुल्ल भाई से मिला। प्रफुल्ल भाई की मैंने योजनाएं सुनी पूरी की पूरी, तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा ये तो वास्तव में ये वो है इलाका जहाँ अमूल समूल और विभिन्न प्रकार की जो डेयरीज चली, जहाँ जहाँ से दूध की क्रांति हुई, और दूध की क्रांति के साथ साथ जानवरों को किस ढंग से रखा जाना चाहिए इसकी एक साइंटिफिक स्ट्रेटजी बनी, और वो आज भी चल रही है बराबर यथावत। अगर आप चाहे मेहसाणा चले जाएं, चाहे आप आणंद चले जाएं, चाहे आप सूरत चले जाएं, सब जगह उसको मेंटेन किया गया है। और ये यही नहीं है, ये यहाँ का दूध जो है पूरे देश में जाता है, पूरे देश में इसके प्रोडक्ट जाते हैं। और इससे जो हम एक सबसे बढ़िया संस्कार दे रहे हैं वो ये कि गुजरात की संस्कृति भारत के कोने कोने में प्रविष्ट हो रही है, हर घर में जा रही है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये जो हमारा आज का सम्मेलन है इसमें हम लोगों ने 2-3 तरह की बातें की हैं। एक तो खेती, हमारी कृषि प्रधान कृषि जो है वो हमारी जैविक हो, और हमारी जो पुरानी जो शैली थी उसके माध्यम से चले। दूसरा, हम खेती के साथ साथ एक और खेती करें, पानी की खेती, पानी को भी रोकें। पानी हम रोकते नहीं हैं, तो पानी की न रुक पाने की वजह से या तो बहुत ज़्यादा पानी गिरेगा तो बहा देगा, जैसा गुजरात में पिछली बार हुआ था। ऐसा अगर हम पानी की खेती करेंगे, मैं आपके सामने एक व्यक्ति को खड़ा करना चाहता हूँ जिसने कि मध्य प्रदेश में और मेरे साथ मिलकर के पूरे देश में एक क्रांति की है, योगेंद्र गिरी। ये मेरे शांतिकुंज से आए हुए कार्यकर्ता हैं जो पानी की खेती कराते हैं, जगह 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 जाके पानी को रुकवाते हैं। मित्रों, अगर अगला युद्ध होगा तो पानी पर युद्ध होगा, क्योंकि पानी नहीं हुआ तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। जो जो सिंधु नदी है जिसको इंडस कहते हैं, वो हमारे और पाकिस्तान के बीच में से बहती है, ऊपर से आती है हमारे हिमालय से ही आती है, पर वो नीचे से जाती है जब, तो इसके पानी के लिए पाकिस्तान लड़ता रहता है हमसे। आने वाले दिनों में ऐसा युद्ध न हो और हम सब मिलके इक्वली शेयर करें, और पानी जो है वो सबको मिले समुचित मात्रा में, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में लोग कहें कि पानी कैसा होता है, तुमने देखा है बेटे, अपने पोते से नाती पोते से, तो वो कहेगा हमें नहीं मालूम, हम तो एक टेबलेट खा लेते हैं उसके बाद हम सो जाते हैं पानी पी, ये इसके बाद खाना खा के, आज हम कहते हैं खाना खा के पानी पी के हम सो जाते हैं, फिर पानी पीने का नाम नहीं होगा, हम टेबलेट खा के सो जाते हैं। तो वो दिखाएगा एक छोटा सा पेनिसिलिन का वायल आता है, उसमें पानी रखा होगा, और उसमें पानी रखा होगा, वो कहेगा ये सब पानी ऐसा होता है। पानी गायब हो जाएगा तो सब कुछ गायब हो जाएगा। मित्रों, पानी यानी हमारी शर्म, पानी यानी हमारी इज्जत, पानी यानी हमारा सब कुछ, और पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने एक क्रांति की है, घर घर पानी की खेती, घर घर पानी की खेती, हर खेत में पानी की खेती। पानी नहीं होगा तो खेती में प्राण कैसे आएगा, इसलिए हम लोग इसका हम लोग कोशिश करते हैं। मित्रों, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न जी अन्नाद भवन्ति भूतानि, पर्जन्याद अन्न संभव, पर्जन्य से अन्न संभव हो पाता है। ये जो प्राण की वर्षा है ये ऊपर से होती है। आज वातावरण प्रदूषित है, चारों तरफ गंदगी है। अगर आप देखें तो आपको पता होगा कि शायद आपको मालूम होगा कि दिल्ली का पूरा ट्रैफिक बंद था 3-4 महीने, क्यों? क्योंकि वहाँ पूरी तरह से प्रदूषण था, पूरी तरह से पराली जलाने की वजह से या किसी भी वजह से सब कुछ पूरा प्रदूषित हो गया था। ऐसी स्थिति में हमारे लोगों ने प्रार्थना की कि हे भगवान, लोगों की सद्बुद्धि जागे। सद्बुद्धि आएगी गायत्री मंत्र के माध्यम से, और गायत्री मंत्र ही जब सब जगह बोला जाएगा। मैंने ये देखा है मित्रों कि हमारे जो परिजन हैं, जो यहाँ गायत्री परिवार के परिजन बैठे हैं, ये परिजन अपने स्थान पे जहाँ जहाँ खेती करते हैं वहाँ गायत्री मंत्र भी बजाते हैं, गायत्री मंत्र का संगीत संकीर्तन भी चलता रहता है।
इस वजह से उनके खेत की खेती उनके पड़ोसियों की तुलना में, जिन्होंने गायत्री मंत्र नहीं चलाया, उनकी तुलना में दोगुनी तिगुनी होती है, तीन गुनी होती है। ये एक चमत्कार है गायत्री मंत्र का। गायत्री और यज्ञ का बड़ा गहरा संबंध है, अन्योन्याश्रित है, इंटरडिपेंडेंट है। दोनों मिलकर के जब काम करते हैं तो हमारे जीवन में क्रांतिकारी चिंतना जीवन जो है हमारा बदल जाता है। तो मित्रों, हम सबको मिलजुल करके अब प्रयास करना पड़ेगा कि हम किस तरह से इस क्रांति को, आध्यात्मिक क्रांति को, कृषि की क्रांति को, वैदिक कृषि की क्रांति को किस तरह से हम एम्प्लॉय करें, किस तरह से हम उसको लागू करें। और मेरे ख्याल से ऐसा संभव हो सकता है, ऐसा संभव हो सकता है। मैं एक कृषक तो नहीं हूँ, पर मैंने अपने न्यायाधीश पिताजी के माध्यम से मैंने खेती के मर्म समझे हैं। और खेती के लिए वो बार बार हर सातवें आठवें दिन हमको ले जाते थे, गांव में ले जाते थे और दिखाते थे क्या होता है, कैसे होती है खेती। मैं समझता हूँ कि वो मेरे अंदर जो बीज डल गए थे, उन बीजों के माध्यम से मैं इतना इस स्तर तक पहुँचा कि मुझे लगा कि वास्तव में ये क्रांति पूरे देश में होनी चाहिए। और ये देश में क्रांति अब हो रही है, पूरी बड़ी तेज़ी से हो रही है। जितने भी खेडूत भाई यहाँ आए हैं, जितने भी हमारे प्रांत के पूरे खेडूत आए हैं, उन सबको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारा गायत्री परिवार, जिसकी संख्या 15 करोड़ है पूरे देश में, पूरे विश्व में भी इसकी संख्या बहुत बड़ी है, आपके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला के काम करेगा। और हम खेती को बचाएंगे, कृषि को बचाएंगे, और कृषि के लिए हम कृषि में प्रदूषण नहीं आने देंगे किसी तरह का। ये हमारा पूरा मूल मंत्र है। हम हमारे माननीय आदरणीय आचार्य देवव्रत जी से एक बात और कहना चाहते हैं कि हमने एक आंदोलन और चालू किया है, वो है हमारा गर्भोत्सव, गर्भ की पूजा। गर्भ के पूजा के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को बचाना, नर मानवों की, देव मानवों की पीढ़ी को हमें बढ़ावा देना है। तो मैंने आपको, आपसे अनुरोध किया है कि इसको हमने तो दिया ही है मुख्यमंत्री जी को, पर आप भी अपनी ओर से अगर एक एक संस्तुति लगा करके आप दे देंगे तो उससे क्या होगा कि ये उत्सव चारों तरफ होने लगेंगे। और मुझे भाई आपको बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि मुस्लिम बहनों ने अपने ये संस्कार संपन्न कराए हैं, क्योंकि वो भी चाहती थी कि अच्छा बच्चा पैदा हो, अच्छा हो, संस्कारवान हो और स्वस्थ हो, सशक्त हो, युवा पीढ़ी के माध्यम से वो उसके माध्यम से भी क्रांति करे। तो ये जो आगे आने वाली पीढ़ी है, ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी पीढ़ी आने वाली है। हमारा देश का भविष्य बड़ा उज्ज्वल है, किसी को निराश नहीं होना चाहिए। हमको है विश्वास कि धरती बांझ नहीं इस देश की, हमको विश्वास है धरती बांझ नहीं है, धरती उर्वर है। और ये धरती भी नहीं बल्कि यहाँ की माताएं भी, और यहाँ की हमारे संस्कार देने वाले जो उनके पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी, ये सब इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि अगर इन लोगों को अवसर दिया जाए तो ये सारे के सारे पूरे के पूरे देश में एक क्रांति ला सकते हैं, नर मानवों की, देव मानवों की, महामानवों की क्रांति। हमें देव मानव बनाना है, महामानव बनाना है। भगवान कृष्ण गीता में कहा है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यततां अभि सिद्धानां कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों लाखों व्यक्तियों में कोई कुछ व्यक्ति भगवान को समझ पाते हैं, वो जो समझ पाते हैं उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं, उन तक पहुँच पाते हैं। भगवान कृष्ण जो हैं वो समस्त कलाओं के धनी हैं, और उन्होंने सबसे बड़ा उपकार हम लोगों पे ये किया कि उन्होंने भारत में जन्म लिया, भारत में जन्म लेकर के एक किसान के घर जन्म लिया, एक ग्वाले के घर जन्म लिया, और वहाँ आने के बाद उन्होंने पूरी तरह से दूध की क्रांति कर दी। दूध की क्रांति, मक्खन की क्रांति, घी की क्रांति, ये सारी की सारी क्रांति श्री कृष्ण जी की दी हुई है। गोपेश्वर कहा जाता है उनको, गौ माता के वो उद्धारक हैं। और उन्होंने ये देखा कि ये देश निराश क्यों है, तो उन्होंने देश की निराशा का कारण देखा, आत्मबल खो गया है। उनका आत्मानम विद्धि, आत्मावरे ज्ञातव्य, ये उपनिषद कहता है, आत्मावरे श्रोतव्य, आत्मावरे मंतव्य, आत्मावरे निदिध्यासव्य। अपने आप को खोजो, अपने आप को सोचो, अपने आप के मनन करो, अपने बारे में पता लगाओ कि तुम कौन हो। और इसके बाद उन्होंने कहा, आत्मा ही आत्मनो बंधु, आत्मा ही रिपु आत्मना। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु। उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपना उद्धार स्वयं करो,
Why to depend on others? दूसरों के ऊपर निर्भर रहने से क्या फायदा? आप अपना उद्धार स्वयं करो. अपना उद्धार स्वयं करने के लिए क्या पढ़ना करना पड़ेगा? अपना मनोबल, अपना आत्मबल अंदर से निकालना पड़ेगा और उसी से ही शक्ति सारी आएगी. मित्रों, ये देश बड़ा विलक्षण है. मुझसे कभी कहा जाए कि भाई साहब, आप इतना ज़्यादा विदेश में भी घूमें, भारत में भी रहे, डॉक्टर साहब आप क्या जाना चाहेंगे विदेश में? अगली बार जन्म विदेश में लेना चाहेंगे? मैं उनको साफ मना कर दूंगा कि जितनी बार मुझे जन्म मिले, मैं भारतवर्ष में मिले और भारतवर्ष में ही मैं मरूं. अभी एक गाना प्रचलित हो रहा है, तेरी मिट्टी में मर जावां, गुल बन के खिल जावां. कितना पॉपुलर गीत है और कितने बड़े भाव हैं उसके. मैं तेरी मिट्टी में मिलना चाहता हूँ माँ. देशभक्ति की बयार बह रहा है गीत. आज हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं हमारे सैनिक, और उन सैनिकों की रक्षा करने की वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, महफूज हैं. पर हम लोगों को अपने कर्तव्य याद नहीं है नागरिकता के, इसीलिए हम नुकसान पहुंचाते हैं राष्ट्र की संपत्ति को, इन सब चीज़ों को. मैं समझता हूं कि ये भी एक क्रांति आएगी जब लोग खड़े होकर के अपने आसपास वालों को टटोलेंगे और देखेंगे और कहेंगे हम भी सतर्क नागरिक हैं इस देश के, हम तुमसे इस देश को नष्ट होने से बचाएंगे. अगर ऐसा होने लगा मित्रों, तो ये देश हमारा, भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा, ये जैसा गीत का सुना आपने वैसा बनेगा. गायत्री परिवार, गुजरात के सभी भाइयों बहनों, यहाँ जो आप बैठे हो, प्लस हमारे किसान भाइयों, आप सबको मैं अपनी भावभरी मंगल कामनाएं देता हूँ. और एक ही बात कहता हूँ कि ये समय परिवर्तन का है, बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है, बड़ी तेज़ी से. आपको नहीं मालूम आज से 3 महीने बाद क्या है, क्या माहौल होगा. आपको नहीं मालूम आने वाले 5-6 महीनों सालों में क्या चेंज आने वाला है. बहुत तेज़ी से चेंज आने वाला है, और इस तेज़ी से आने वाले चेंज में हम भी अपने आप को बदलें, अपने आप को बदलें और अपना चिंतन, अपनी सोच को आमूलचूल परिवर्तन के रूप में बदलें. आपको खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आपको गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद. श्रद्धेय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत धन्यवाद. और हम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से प्रार्थना करते हैं कि माननीय राज्यपाल जी को इस आयोजन का एक स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें. बोले गौ माता की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की. और अब समय है हम सबके लिए एक विशेष संदेश सुनने का. हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे.